मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिला में किए 55 करोड़ रुपए की 18 विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने रिकांगपियो में क्राफ्ट मेले का किया उद्घाटन। जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार नियम और नौतौड़ का लाभ भी किया बहाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल देर शाम NIT हमीरपुर के आधुनिक कंप्यूटर सेंटर का किया उद्घाटन। परिसर में ई क्लासरूम का भी किया शुभारंभ। कहा, ई लर्निंग के माध्यम से आधुनिक शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए केंद्र ने 1,000 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले जम्मू से पहुंची धर्मशाला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपी गई टॉर्च रिले। 25 शहरों से गुजरी हुई टॉर्च रिले पहुंचेगी महाबलीपुरम। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक 44वें चेस ओलंपियाड का किया जा रहा आयोजन। मंडी जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक 27 जून को सुबह 11 बजे विपाशा सदन भ्यूली में निर्धारित। बैठक की अध्यक्षता करेंगे जल शक्ति, राजस्व, बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित। परीक्षा के आधार पर 16 उम्मीदवारों का विभिन्न पदों के लिए हुआ चयन। मंडी जिले के संधोल निवासी अभिषेक बलराव ने किया टॉप। पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, जल संरक्षण सहित शिशु की आरंभिक देखभाल को लेकर नाहन में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन। शिविर में आशा कार्यकर्ताओं को शिशु की आरंभिक देखभाल, एनीमिया, कुपोषण सहित अनेक विषयों पर किया जा रहा जागरूक। जिला लाहौल स्पीति में जून माह में भी लोगों को ठंड से नहीं मिली निजात। लोग जून माह में भी गर्म कपड़े पहनने और हीटर सेकने को विवश। फसल में बढ़ोतरी न होने से घाटी के किसान चिंतित। चंबा से पांगी को जोड़ने वाले साच दर्रे पर बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। प्रशासन ने एहतियातन दोपहर 2 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक। प्री मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। चंबा, शिमला और कांगड़ा जिले में भारी वर्षा होने का समाचार। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना।